अंतरिक्ष सदैव से ही मानवों को आकर्षित करता आ रहा है। इसके रहस्य जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई प्रयास किए हैं। शुरुआत में जब अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हुई तो दो देश अमेरिका और रूस इसमें सबसे आगे थे, पर शुरू के सारे मिशन मानव रहित ही थे। स्पेस के बारे में और जानने के लिए इंसान से पहले अंतरिक्ष में जानवर भेजे गए। आज जहां हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में इतनी सफलता हासिल कर ली है कि आज हम इंसानों को स्पेस में भेज रहे हैं और अब मंगल और चांद पर मानव बस्ती बसाने की और आगे बढ़ रहे हैं, पर क्या यह मुमकिन हो पाता उस छोटे से जानवर लाइका के बिना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइका नाम की एक डॉगी जिसने दुनिया से पहली बार स्पेस ट्रैवल किया था। हमारी सफलता का बहुत बड़ा श्रेय लाइका नाम की एक डॉगी को जाता है। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीसीज थे, जैसे कुछ मक्खियां, इंसेक्ट्स जो लाइका से पहले स्पेस मिशन जा चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर था जिसका नाम एल्बर्ट वन, जिसने लाइका से पहले एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह से स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता। इसीलिए लाइका को स्पेस मिशन वाली पहली जानवर के नाम से हम जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें गर्व महसूस होता है, क्योंकि वह दुनिया के सारे जानवर में ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस मिशन किया था। लेकिन क्या सच में लाइका खुशनसीब डॉग थी जैसा हम पिक्चर्स में देखते हैं, या फिर न्यूज मैगजीन्स या स्कूल की किताबों में हमें दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है? ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे क्या हश्र हुआ उस पहले कुत्ते का जिसे स्पेस में भेजा गया था। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के साइंटिस्टों के लिए काफी चुनौती भरा काम था। 1956 में स्पुतनिक 1 की सफलता पूर्वक लॉन्च होने के बाद अब साइंटिस्ट को स्पेस के बारे में जानने की और उत्सुकता जागने लगी, जिसके लिए वो इंसानों को स्पेस में भेजना चाहते थे। पर इसका कोई प्रमाण नहीं था कि क्या जिंदा इंसान स्पेस ट्रेवल कर सकता है या नहीं। यह ही जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। साल 1957 में मॉस्को, जो कि रशिया में स्थित है, इस समय मॉस्को की सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय इसकी उम्र 3 साल थी। तब उसे क्या मालूम था कि वह इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया। लेकिन स्पुतनिक में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसीलिए वहां के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस बार किसी जिंदा बड़े जीव को स्पेस मिशन भेजा जाए। लेकिन शायद रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफी जल्दी में करना चाहते थे, इसीलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। यही स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाई ऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड और डॉग के स्टूल और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि केबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसी तरह स्पुतनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार हुआ था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्ते को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग्स से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन रहने की आदत थी, जो स्पेस मिशन लिए एकदम आइडियल था। तो इसी बीच उन स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिला और इसके बाद ही स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेंड किया गया। स्पुतनिक 2 का केबिन काफी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वह स्पुतनिक 2 के केबिन में अच्छे से अकस्टम हो सके। तो देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म हुआ और वह
स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो यह एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को पता ही नहीं था कि वह कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ अपने घर लेकर गए और जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को उनके बच्चे के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था। तो फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर केबिन में चेन से बांधकर अंदर डाल दिया गया, ताकि वह अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट न कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन स्पुतनिक 2 लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका के स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन लाइका के नाम पर चम के आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, यह जानते हुए कि वह कभी वापस नहीं आने वाली। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुतनिक 2 पर अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काफी नहीं था, और इसी के कारण लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हार्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे यह बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था, और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था, और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसी अवस्था में स्पुतनिक 2 162 दिन तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्ति स्मारक बनाई थी। यह वही जगह थी जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है, जो कि है लाइका। हमें लाइका के इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन इस डॉग की कुछ कंट्रीब्यूशन रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के अपने फायदे और इंसानों के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना क्या आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हमेशा की तरह धन्यवाद।